के आयोजक आदरणीय राम कुमार जी जो हमारे जिला पंचायत मेंबर हैं, संजय दुबे जी हैं जो महाशिव हैं और उनके तमाम साथी पंकज से लेके आशीर्वाद से लेके सभी मेरे सम्मानित साथियों उपस्थित बुजुर्गों नौजवान साथियों, आज के इस मौके पर सबसे पहले मैं कंचनपुर के अपने सभी बुजुर्गों का नौजवानों का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐतिहासिक स्वागत किया, सम्मान दिया। मैं अपने सभी साथियों को भरोसा दिलाता हूँ, आपके मान, आपके सम्मान, आपके स्वाभिमान और आजमगढ़ की शान को बढ़ाने में आपका ये बेटा और भाई कभी कोई कोर कसर नहीं रखेगा, ये मैं आप सभी को भरोसा और यकीन दिलाना चाहता हूँ। उस आजमगढ़ के लोगों की सेवा में भेजा है, आजमगढ़ के लोगों जिस दिन से आपके क्षेत्र की मेरे चुनाव की घोषणा हुई मुझे न जाने कितनी बधाइयां मिल गई है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश को एक भरोसा है कि आजमगढ़ में समाजवादियों का झंडा बुलंद था और समाजवादियों का झंडा बुलंद रहेगा। जो देश के सामने परेशानियां हैं, जो देश के सामने संकट है, उस संकट पर भी आपका आशीर्वाद मिलेगा तो ये आपका बेटा सदन में मजबूती के साथ पक्ष रखने का काम करेगा। साथियों आज चाहे देश के नौजवानों के सामने बेरोजगारी का सवाल हो, अग्निवीर की योजना के माध्यम से हमारे सेना के जवानों का मनोबल गिराने का सवाल हो, किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा करने का सवाल हो, देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का सवाल हो, जो प्रधानमंत्री जी कभी कहते थे कि देश के अंदर जब डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत गिरती है तो केवल रुपए की कीमत नहीं गिरती है बल्कि देश का सम्मान गिरता है, तब मैं आज इस मौके पर कहना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सरकार में सबसे ज्यादा हमारे रुपए की दुर्दशा करने का काम अगर किसी सरकार ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। ये तमाम चुनौतियों से आज हमारे नौजवान रोजगार नहीं पा रहे हैं, रोजगार के नाम पर भर्तियां निकलती हैं, 50-50 लाख नौजवान उस भर्ती में शामिल होता है और पर्चे को लीक कर दिया जाता है, तो बताओ लीक करने वालों पर कब कार्रवाई होगी। इसलिए कहना चाहता हूँ इस चुनाव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देना, आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत बना देना, तभी नौजवानों को रोजगार मिलेगा। साथियों बताओ मेरे नौजवानों, मजबूत बनाओगे समाजवादियों को तो नहीं बनाओगे, हमेशा आजमगढ़ वालों ने सम्मान बढ़ाया है, एक बार फिर सम्मान बढ़ा देना, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा अपील है, यही हमारा निवेदन है। और सत्य नेताजी को जिस आजमगढ़ पर हमेशा घमंड रहा है, नेताजी के उस घमंड को हमेशा बरकरार रखना, मेरे आजमगढ़ के लोगों आपके ऊपर उन्हें हमेशा यकीन रहा है, इसलिए आजमगढ़ के लोगों कहीं से कोई कसर न रह जाए, कहीं से कोई कसर न रह जाए, और इस चुनाव में ऐतिहासिक वोटों से जिता देना। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो?
Thank you.